पीएम मोदी रविवार को प्रदेश दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस को निशाने पर लिया। चित्तौड़गढ़ में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे और लोगों से पूछा कि आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, ऐसा जो पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दे या फिर ऐसा कि भारत उसके सामने झुक जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी भारत को कमजोर करने का काम करती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बनाया, जबकि आज देश को विश्वास है कि मोदी खुद पर वार झेल सकते हैं लेकिन देश को कभी झुकने नहीं दे सकते हैं। इस दौरान पीएम ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी की जो लहर चल रही है वह राजस्थान में भी दिख रही है। राजस्थान का एक एक साकीदी या चौकीदार के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। सरकार के काम करने के तरीके में एक और बड़ा बदलाव हम ये लेकर आए हैं, हमारी सरकार ने सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव के लिए न सिर्फ योजनाएं शुरू की बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। वरना दशकों तक हमने ऐसी सरकारों को भी देखा था जो योजना शुरू तो कर देती थी लेकिन वो पूरी कब होगी ये कोई नहीं जानता था। यानी काम ऐसा हो जो तेज गति से हो, बहुत बड़े पैमाने पर हो और पूरी कुशलता से किया जाए। भाइयों और बहनों, आज इसी का परिणाम है। हर रोज ये आंकड़े सुनकर के अनेकों को आश्चर्य होगा। मैं आज एक दिन के काम का हिसाब देता हूं और जब सांवरिया सेठ के चरणों में बैठा हूं तो उसमें पाई पाई के हिसाब का महत्व होता है, पल पल के हिसाब का महत्व होता है, तभी तो सांवरिया सेठ की याद आती है। और इसलिए मैं भी हर शाम हर दिन का हिसाब लेकर के सोता हूं, पूरे देश का हिसाब लेकर के सोता हूं। भाई और बहनों, एक और बहुत बड़ा संकल्प हमने लिया है जिसका सबसे अधिक लाभ राजस्थान को होने वाला है, मेवाड़ को होने वाला है। बीते 5 वर्ष में जिस तरह हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए हमने दिन रात काम किया है, आने वाले 5 वर्षों में हम पानी के लिए वैसा ही काम करने चाहते हैं।